हेलो, सिक्स क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आज हम एक्सरसाइज वन का क्वेश्चन नंबर 12 करा रहे हैं। इसमें है एलसीएम फाइंड करना है आपको। नंबर्स हैं 405 और 81। 3 से हम इसको कैंसिल करेंगे, 3 1 जै 3, 1 बचेगा, 0 ले लिया 10 हो गया, 3 3 जै 9, फिर 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 5 जै 15। इसी तरह से जब 81 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 27 होगा, फिर इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 45 आएगा डिवाइड होने पर, यहाँ 9, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ 15, यहाँ 3, फिर 3 से करेंगे 3 5 जै 15, 3 1 जै 3, फिर 5 से 5 1 जै 5। एलसीएम इन नंबर से इन सबका मल्टीप्लाई होगा, तो एलसीएम करने के लिए क्या करेंगे, 3 × 3 × 3 × 3 × 5। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जै 9, 9 3 जै 27, 3 जै 81, और 81 का जब 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में है राइट इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्वेश्चन है 522/16। पहले हमने इसको 2 से कैंसिल किया, 2 8 जै 16, 2 2 जै 4, 2 6 जै 12, 2 1 जै 2। अभी आ गया 261/8। 8 से इसको डिवाइड किया 261 को, 8 3 जै 24, यहाँ बचे आपके 2, 1 ले लिया, 8 2 जै 16, ये बचेंगे इसके 5, 11, 11 में से 6 हुए 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 32/5/8। इस तरह से हम दिए हुए नंबर्स को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 17 है रिड्यूस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। ये पार्ट है 1/100, 105/20। अब देखिए दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे, तो हम इस नंबर को भी 5 से डिवाइड करते हैं और इसको भी हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो इसका हो जाएगा 5 2 जै 10 और 5 1 जै 5। इसका यह हो जाएगा 5 4 जै 20। अब इसको हम चाहें तो आगे मिक्स्ड फॉर्म में कर देंगे, तो 4 5 जै 20, 1 बचेगा तो 1/4 ये हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर इस तरह से हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं डिवाइड करते हुए। क्वेश्चन नंबर 18 में है फाइंड द सम। फाइंड द सम, इसमें हमको सम फाइंड करना है, फ्रैक्शन दिया हुआ है। इसमें है 6/4 + 9/8। अभी इसमें क्या करेंगे, 4 और 8 का हम एलसीएम लेंगे, 8 होगा, 4 से 8 को डिवाइड किया, 4 2 जै 8, और 2 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 जै 12, 8 से फिर 8 को मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे 1 1 9 जै 9, 12 + 9 दैट इज 21/8। अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर देंगे तो 8 2 जै 16, ये आपका 5 बचेगा, 5/8, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है हमको, सब्ट्रैक्ट 5/19 फ्रॉम 18/19। तो फ्रॉम वाला नंबर हम पहले लेते हैं, तो 18/19 पहले होगा, -5/19, इसमें 19 एलसीएम होगा, तो ये हो जाएगा आपका 18 - 5, इट इज 13/19। इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।